हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। नविंदा यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। ये है बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं रीअपियर के अक्टूबर 2020 में, जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं। और पेपर पैटर्न क्या होगा वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो टाइम अलाउड है वो है 145 आवर्स का, मतलब 2.5 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा। और मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 80, ठीक है। कोई भी 3 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं और सभी के जो मार्क्स है वो इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एनी 3 को, यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि फर्स्ट क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, अदर आप एनी 2 क्वेश्चंस कर सकते हो, नहीं। यहाँ पर बताया गया कि एनी 3 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चंस पूछा हुआ है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर, सेकेंड है मीनिंग ऑफ डिसलेक्सिया, थर्ड है डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, उसके बाद है चाइल्ड रेनिंग प्रैक्टिस, बाल पालन प्रथाएं क्या होती हैं। ये तो फर्स्ट बिल्कुल फोर्थ पार्ट होते थे फर्स्ट क्वेश्चंस में, उसी तरीके से है जैसे फर्स्ट क्वेश्चंस आपका कंपलसरी होता था। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चंस होता था, 4 पार्ट्स उसमें होते थे 4 क्वेश्चंस में, तो वैसे उसी तरीके से ये क्वेश्चंस है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, कोई यूनिट आपके या फिर आपको देखने को नहीं मिलेंगी इसमें। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चंस पूछा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ पर पूछा हुआ है और प्रिंसिपल पूछे हुए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। थर्ड क्वेश्चंस है अंडरस्टैंड बाय द टीम मीडिया क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है किशोरावस्था में, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो है। देखिए यहाँ पर कोई यूनिट वाइज नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि यानी 3 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका 4 क्वेश्चंस, इसमें पूछा हुआ है इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इसके क्या इंपॉर्टेंस हैं। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन गेम्स एंड ग्रुप्स डायनेमिक, ये आपसे पूछा हुआ है। यहाँ पर कोई भी मार्क्स गिवन नहीं है कि कितने मार्क्स का है, बट इक्वल मार्क्स के हैं, ठीक है। एनी 3 क्वेश्चंस करने हैं, कोई यूनिट नहीं है इसमें। उसके बाद पूछी हुई है टोलमैन की साइन लर्निंग थ्योरी, नेक्स्ट है ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी भी यहाँ पर पूछी हुई है और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसके पूछे हुए हैं। उसके बाद है 8th क्वेश्चंस, इसमें मेजर शुड बी टेकन टू इम्प्रूव द स्विंग इन अर्बन स्लम एंड सोशली ड्राइव गर्ल्स, इसके बारे में यहाँ पर पूछा हुआ है। सामाजिक रूप से वंचित लड़कियों और शहरी मलिन बस्तियों में रह रहे बच्चों की परिस्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये पूछा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चंस, किशोरों की आवश्यकताओं तथा व्यवहारात्मक समस्याओं की विवेचना यहाँ पर करनी है और व्यवहारात्मक समस्याओं को हल करने के लिए क्या सजेशन आप दोगे, उन इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या सजेशंस दोगे, ये सब आपसे पूछा हुआ है। तो कोई ना तो मार्क्स यहाँ पर गिवन है कि कितने मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, बट इक्वल मार्क्स के हैं। एनी 3 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स का आपका कम्प्लीटली पेपर है ये, ठीक है। तो आज के लिए था बस इतना ही, पेपर पैटर्न आपको पता चल गया। इसी तरीके से आपको पेपर देखने को मिलेगा, भले ही यूनिट ना हो, यूनिट वाइज सिस्टम हटा दिया है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। अगर आप सिलेबस देखोगे तो फर्स्ट यूनिट से भी इसी तरह से क्वेश्चंस है, जैसे आते हैं यूनिट वाइज उसी तरीके से क्वेश्चंस हैं। तो बस यूनिट नहीं मिलेंगी आपको, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए था बस इतना ही, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।